हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार और आप देख रहे हैं वाईफाई दोस्त चैनल। जी हां दोस्तों, रिलायंस जियो ने शुरू की एटीएम से रिचार्ज की सुविधा, ऐसे कराएं रिचार्ज। जी हां गाइज, मैं अभी आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने जियो नंबर्स को एटीएम से आप मतलब रिचार्ज कर सकते हैं, पूरा मैं विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले, आपने अभी तक हमारे चैनल वाईफाई दोस्त को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बंद का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा वीडियो के नीचे, वहां से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए वीडियो की ओर लेकर चलते हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से भारत की रफ्तार धीम थम सी गई है। व्यापार हो या फिर वाणिज्य, हर जगह ठहराव महसूस किया जा रहा है। इसको देखते हुए विभिन्न कंपनियां अपने प्रभाव ग्राहकों के लिए नए नए रास्ते निकाल रही है। कुछ ऐसा ही सोचकर जियो ने भी अपने ग्राहकों के लिए एक नया रास्ता खोला है। जो ग्राहक लॉकडाउन की वजह से अपने मोबाइल रिचार्ज नहीं करा पा रहे, उनके लिए जियो ने एटीएम से आप रिचार्ज की सुविधा पेश की है। जी हां, अब ग्राहक सीधे एटीएम मशीन में जाकर अपना मोबाइल रिचार्ज करा सकते हैं। इसके लिए बस आपको ज़रूरत है एटीएम कार्ड और एटीएम मशीन की। सबसे अच्छी बात यह है कि रिचार्ज यह तरीका बेहद ही आसान है, इसमें कोई ओटीपी की प्रक्रिया शामिल नहीं की गई है। रिलायंस जियो के ट्वीट के मुताबिक, जियो ग्राहकों के लिए एटीएम के माध्यम से जियो रिचार्ज उपलब्ध है। यह रिचार्ज जिन बैंक के एटीएम के जरिए हो सकते हैं वो है AUF बैंक, एक्सिस बैंक, DCB बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDBI बैंक, IDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार उपभोक्ता बैंक के 1 लाख से ज़्यादा ऑन साइट और ऑन साइट ATM है। अगर आप जियो ग्राहक हैं तो आप भी नीचे दिए तरीके मौजूद से आप ATM के जरिए आप रिचार्ज करा सकते हैं। अब मैं यहां पे आपको स्टेप बता रहा हूं। सबसे पहला, अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड ATM मशीन में डालें। अब मेन्यू में रिचार्ज विकल्प पर टैप करें। अब अपना जियो नंबर डालें जिसको रिचार्ज करना है। नंबर डालने के बाद ओके एंटर बटन को दबाएं। इसके बाद आपको अपना ATM पिन डालना होगा। अब जितने का रिचार्ज करना है वो अमाउंट डालें। अब ATM मशीन की स्क्रीन पर आपको रिचार्ज का मैसेज दिख जाएगा और आपके अकाउंट से उतने पैसे डेबिट हो जाएंगे। इसके बाद आपके जियो नंबर पर रिचार्ज का मैसेज भी आ जाएगा। जियो की यह ATM रिचार्ज सुविधा बेहद ही आसान है, उन ग्राहकों के लिए पेश की गई है जो आज इंटरनेट और ऑनलाइन रिचार्ज के ज़माने में भी रिचार्ज के लिए स्टोर और कंपनी के आउटलेटर पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा यह सुविधा उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है जो स्मार्टफोन की जगह फीचर्स फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। फीचर्स फ़ोन पर मोबाइल बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं होती, जिस वजह से ऑनलाइन भुगतान संभव नहीं होगा। तो गाइज, मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया कि आप ATM मशीन से कैसे आप जियो का मतलब रिचार्ज करा सकते हैं। और मैं आपको एक कन्फ्यूजन दूर कर देता हूं कि आप यह सुविधा अभी जियो ही ना निकाला है, आप बाकी मोबाइल मतलब बाकी कंपनी के सिम अभी इस तरह का सुविधा नहीं निकाला है। आगे भी सुविधा निकालेंगे तो मैं उसके बारे में भी आपको जानकारी मुहैया करा दूँगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली होगी तो आप हमारे चैनल वाईफाई दोस्त को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को तो आप ज़रूर शेयर करें। आप फालतू के मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक पे शेयर करते हो, लेकिन इस काम की मैसेज को आप ज़रूर अपने व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप में शेयर करें। साथ ही आप हमें कॉमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर ले। इंस्टाग्राम का आपको यूजर आईडी नीचे में दिख रहा होगा, प्लस आपको लिंक भी आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।